हम ये जानना चाहेंगे कि देश में दंगे फसाद आज भी जारी हैं। आज़ाद हुए देश को 75 साल हो गए, हम लोग अमृत महोत्सव मना रहे हैं, दंगा रहित देश हो इसके लिए क्या होना चाहिए? पहली बात तो एक दंगा तो वो हो जाता है कि अभी हम आप लोग बैठे हैं, दोनों लोग बैठे हैं, हमारी बैठक किसी महफिल में हो सकती है, किसी जलसे में या किसी भीड़ में, मेले में, बाजार में भी हो सकती है, और इत्तेफाक हमारे आपकी बातचीत के लहजे में कुछ ना समझी हो जाए तो हमारी मारपीट हो जाए। हमारे साथ जो दो चार साथी हैं या सिराज साहिब के साथ जो दो चार साथी हैं तो वो भिड़ंत मुमकिन है, ये नेचर है, समझे था? तो ये हमेशा होता रहा है और हमेशा होता रहेगा जी। लेकिन जिस दंगे से हमारा देश प्रभावित है और जिस दंगे का के नाम से दंगा जाना जाता है वो तो प्री प्लान किया जाता है, कराया जाता है जी, समझे था? अब एक तो ये इत्तफाकी जो हो गया, हमारा हमारे चंद साथी तुम्हारे साथ चंद साथी भिड़ गए, तो उसके लिए तो कानून बहुत जल्दी से अमल में एक्शन में आ जाता है और हम दोनों की गलतियाँ तलाश लेता है, हमारे दोनों लोगों को अरेस्ट भी कर लिया जाता है, अदालत के हवाले कर दिया जाता है कि भई ये दोनों लोग जो है सरेआम बाजार में सरे सड़क पे अमन और शांति खराब कर रहे थे, देश के कानून व्यवस्था बर्बाद कर रहे थे, तो हम दोनों पर मुकदमा हो जाता है, पेश कर दिया जाता है। लेकिन जो साजिश के तहत जो दंगे होते हैं मसला उसका जी, उसको इलाज की ज़रूरत है। ये इत्तफाकिया तो कल भी था, आज भी है, आगे भी होता रहेगा, उसका निवारण तो हमारे पास है लेकिन इसका निवारण नहीं है। इसलिए जिस तरह साजिश रचकर दंगे करवाए जाते थे उनके लिए एक तो कानून लाने की ज़रूरत है, दंगा रोको कानून लाने की ज़रूरत है, और उस कानून के लिए मेरा सुझाव यह है कि जिस इलाके में दंगा हो, अचानक नहीं होता, बड़ा दंगा करवाने के लिए महीनों उसके प्रोसेस किए जाते हैं, माहौल गर्म किए जाते हैं, नफरतें फैलाई जाती हैं, लोगों को एक दूसरे के खिलाफ गुस्से दिलाए जाते हैं, और फिर किसी पॉइंट पर एक पत्थर मार दिया जाता है, सिंगल एक पत्थर मार दिया जाता है। अब यही सारा गुस्सा जो प्लानिंग किया हुआ होता है वो एक पत्थर पूरा शहर दंगे की चपेट में आ जाता है जी। अब रही बात ये इसका इलाज के लिए, मैं समझता हूँ कानून बनाने की ज़रूरत है, और कानून बनाने में उन लोगों को जिम्मेदार ठहराना चाहिए जो लोग साजिशकर्ता में पाए जाए। एक दूसरा जो हमारा जो सुरक्षा के लिए जो डिपार्टमेंट जो बनी है, जो एजेंसियां बनी हैं, उनके ऊपर जिम्मेदारी होनी चाहिए कि भाई तुम्हारे यहाँ दंगा नहीं होना चाहिए। ये इत्तफाकी दंगा तो ठीक है, वो किसी के मेरे भी कंट्रोल में नहीं है जी, मैं नाराज हो गया अभी आपको झापड़ मार सकती हूँ, ये कंट्रोल में नहीं है। लेकिन जो इरादतन दंगा किया जाता है अपनी राजनीति करने के लिए, अपना शक्ति प्रदर्शन करने के लिए, उसके लिए कानून लाने की ज़रूरत है और उसमें जिम्मेदार ठहराने की ज़रूरत है। अब इरादा आपका ये है, आप मान लीजिए सिराज साहिब साहब यहाँ पर आए हैं और इनका इरादा है कोई राजनीति करना है या अपना बहुबल दिखाना है दंगा करवा के, तो इसके अंदर मेरा घर जल गया, मेरी दुकान जल गई, मेरी मान मत्ता जल गई, मेरी गाड़ी जल गई, समझे था? तो सिराज साहिब का मंसूबा ये था कि इस्माइल बाटली वाला को नुकसान पहुँचाना है दंगे के तहत, तो इसका 10-20-25 लाख का, समझे था, 10-20-25 लाख का नुकसान हो जाए तो सिराज साहिब साहब को खुशी हो जाएगी कि ठीक है मैंने इसका नुकसान कर दिया। अब इस तरह इस कानून में व्यवस्था हो जाए कि जहाँ दंगा होता है वहाँ के लोगों से या उस डिपार्टमेंट को जो दंगा रोकने की जो जिम्मेदार जो डिपार्टमेंट, इस्माइल बाटली वाला का नुकसान किसने किया है, सिराज साहिब के ग्रुप ने किया है,
कितने का किया है, 50 लाख का नुकसान किया है। इस समाज से और जिम्मेदार अफसरान से कलेक्शन करके उस 25 लाख के नुकसान को 50 लाख के फायदे में बदल दे तो दंगे पर कंट्रोल आ जाएगा। मतलब सिराज साहिब का मंसूबा फेल हो जाएगा कि मैं तो गया था यार इसका 25 लाख का नुकसान करने, किया तो 25 लाख का नुकसान और इसको मिल गया 50 लाख, तो ये तो मैं तो घाटे में फंस गया। तो अगर इस तरह की सोच जाती है देश में तो सिराज साहिब जैसे साजिश करता लोग उनका मंसूबा फेल हो जाएगा कि मैंने अगर इसका नुकसान किया तो ये डबल फायदा हो जाएगा। तो जब उसके दिमाग से ये निकल जाएगा तो दंगे पर कंट्रोल हो जाएगा।